आज मैं मेरे अपने घर में अंडा करी जैसे बनाई जाती है वो आप लोग के बीच शेयर करूंगी, साथ में अपने घर में बनी मसाला यूज करूंगी। चलिए अब अंडा करी रेसिपी शुरू की जाए। उसके लिए मैंने 3 अंडा और 4 बॉयल आलू ली। मसाला सूखी मिर्च, धनिया, गोल मिर्च, लहसुन, जीरा, अदरक और हल्दी, इलायची और लौंग ली हूँ। हमने कढ़ाई में सूखी मिर्च को भून लूँगी। देखिए थोड़ा कलर चेंज होने तक, और फिर इसमें धनिया 1 चम्मच डाल दूँगी। दोस्तों मेरी अपनी रसोई में आप लोगों को स्वागत है। चलिए भून गया है दोस्तों। अंडा को मैंने थोड़ा सा काट लिया है कि मसाला उसमें अंदर चला जाए। आज मैं सब मसाला सिलवट्टे पर पीसूंगी। अंडा फ्राई हो गया है, चलिए इसको निकाल लें। अंडा करी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। जीरा फ़ौरन हमने डाल दिया, तेज़पत्ता, और आज हमने हरी प्याज से अंडा करी बनाऊंगी। इससे स्वाद ही कुछ अलग लगता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक डाला स्वाद अनुसार, हल्दी और 2 हरी मिर्च भी हमने डाल दी। प्याज भून गया है दोस्तों, और हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर ली थी सिलवट्टे पर। अब इसे भूनना है थोड़े पानी देके। जीरा पाउडर और जो हमने आलू रखा था बॉयल करके उसे भी हम डाल दिए। थोड़े थोड़े पानी देने से मसाला भी अच्छा से भून जाता है और कढ़ाई में भी मसाला नहीं लगता है। गोल मिर्च पाउडर, और ये सूखे मिर्च और धनिया का जो पेस्ट बनाए थे वो भी हमने डाल दिया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है काश्मीरी लाल मिर्च बिना डाले। गोल मिर्च भी हमने घर में ही उसका पाउडर बनाया है। देखिए दोस्तों आप भी बनाएं मेरी तरह और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। 10 से 15 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाएगी। चलिए अब मसाला भून गया है। इसमें अंडा जो हमने रखा था उसे डाल दें। दस मिनट के लिए हमने इसे ढक के रख दिया। चलिए 10 मिनट हो गया है, अब इसे निकाल के देखें। देखिए कितना अच्छा करी तैयार हुआ है दोस्तों। गरम मसाला पेस्ट जो हम पीस के रखे थे उतारने टाइम में डालती हूँ, इससे
क्या होता है, सब्जी में भी इसकी टेस्ट आती है और खुशबू बनी रहती है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा अंडा करी तैयार हुआ, हमने प्लेटिंग किया है और हरी प्याज।